जलाशय पर आकर अगर दीप दान करेगा, अगर एक दिया भी किसी ने जलाशय के किनारे पर लगा दिया, तो वो जो 3 दिन का पुण्य तुम्हारे खाते में है उसको 1000 गुना कर आपको वापस उसी के खाते में देना पड़ेगा। आपको वापस उसे प्रदान करना पड़ेगा। हिंदू धर्म की रीति है, जितने लोग टीवी पर कथा सुन रहे हैं बहुत सावधानी से सुनना, धनतेरस पर दिए लगाए, रूप 14 पर दिए लगाए, दीपावली पर दिए लगाए, खूब लक्ष्मी जी का पूजन करा, खूब आनंद करा, खूब भजन करा, खूब कीर्तन किया, वो तुम्हारे खाते में नहीं आया। ये खाते में कब आएगा? जब कार्तिक पूर्णिमा के दिन आप किसी नदी, तालाब, सरोवर, कुंड, बावड़ी, जो भी आपके पास में है, जो भी आपके नजदीक में है, उसके घाट पर जाकर अगर आप दीप दान करोगे, एक दिया भी अगर आपने लगा दिया, तो वो पुण्य आपके खाते में आ जाएगा। कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगाया गया दीपदान, किया गया दीपदान, घर में संपदा की कमी नहीं आने देता। ये उसी में कहा, जैसे कार्तिक के महीने में आंवले के पेड़ के नीचे लगाया गया घी का दिया, चौमुखी 4 बत्ती का दिया, जो आंवले के पेड़ के नीचे कार्तिक के प्रथम दिन से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक जो आंवले के पेड़ के नीचे चौमुखी दिया 4 बत्ती का लगाता है, उसके घर में संपदा की कभी कमी नहीं होती महाराज। लक्ष्मी कभी कम नहीं होती, लक्ष्मी घटती ही नहीं। तो यहां जो पुण्य है, इसलिए शास्त्र कहता है, इसलिए शिव महापुराण कर रही है कि शंकासुर को जो मारा गया वो पूर्णिमा के दिन नहीं मारा, शंकासुर को जो मारा वो कार्तिक की पूर्णिमा को नहीं मारा। चातुर्मास जो समाप्त हो रहा है, उस समाप्त के एक दिन पहले 14 के दिन, एक दिन शंकासुर का संहार, क्योंकि अगर यह पूर्णिमा तक रुक गया तो इसको पुण्य फिर मिल जाएगा, बहुत आम मिल जाए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपनों से शेयर कीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। धन्यवाद।